भव्य भारत बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत बनाएंगे। भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शिव शंकर, कोरोना के अवसर पर सेवा करते थे वो सभी भक्त ही थे, लेकिन सामूहिक रूप से कोरोना के कारण 2 वर्षों तक चित्र के माध्यम से लोगों को घर बैठे भगवान की रथ यात्रा का दर्शन होता था। भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से कोरोना का विप्लव शांत सा हो गया है। इस बार आम जनता भी आई है, भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा की अनुभूति करके मुझे प्रसन्नता है। इस प्रकार के रोग शोक से पूरा क्षेत्र विमुक्त रहे, भव्य भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भासित हो। साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए कि तपस्थली पर्यटन के नाम पर भोगस्थली न बन जाए, सुरा सुंदरी का केंद्र न बन जाए। हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन विकास के नाम पर तपस्थली को भोगस्थली बना देना, सुरा सुंदरी का केंद्र बना देना उचित नहीं है। श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी सबके हित में सदा अपने स्वरूप को ख्यापित करते हैं। भगवान जगन्नाथा जी की कृपा से पूरे विश्व का सुमंगल हो। भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में, आर्य भूमि के रूप में, आर्यावर्त के रूप में पुनः उद्भासित हो, इस भावना के साथ वचन को विराम।